भारत में आज भी दलित महिलाओं को स्वर्ण जाति की घरों के आगे से चप्पल हाथ में लेके निकलना पड़ता है। 2010 में राजस्थान के करौली जिले के डंगरिया गांव में ऐसा ही भेदभाव होता था। तो आप जब अभी थोड़ी देर पहले निकल रही थी, वहां से चप्पलें क्यों उतारी थी आपने थोड़ी सी दूर के लिए? जी ऐसे उतारे चप्पलन ने कि बड़ो घर है बोहरे जी को, जो हमारी सासू उतारती आले जे बाहरी टम चल रहे, हां सासू कहती हमारी के चप्पल उतारी। और मानो आप चप्पल पहन के निकल जाती हो तो वो क्या हो सकता है आपके साथ? कछु नहीं हो बे, और हल्ला करे हमारा कर रहे हैं जी के, अब बड़े आदमी है तो हमारी बड़ो घर। आपकी जाति क्या है? क्षमा। वीडियो बनाने के बाद में से ही मेरे मन में ऐसा ठान लिया कि ऐसा महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसके लिए काफ़ी प्रयास किए रोकने के लिए, लेकिन कहीं सफलता नहीं हुई। लास्ट में अभी मार्च में मुझे सफलता मिली चेंज वेबसाइट की ओर से, कि वहां पूरा प्रशासन गया हमारा और आंखों से देखा उसने कि ऐसा महिलाओं के साथ होता है। तो हम और एसपी साहब आज उस क्षेत्र में गए थे, वहाँ ग्रामीणों को बुला के और जनप्रतिनिधि भी, वहाँ के जो स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधि थे उनको भी बुला के, और सारे महिलाएं पुरुष जितने ग्रामवासी उनसे वार्ता की और उनको कानून प्रावधान के बारे में भी हमने जानकारी दी कि भाई छुआछूत के जो भेदभाव है वो पूरी तरह से एक क्राइम है और इसको कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। और ये विचार विमर्श होने के बावजूद फिर गांव वालों ने, जो बुजुर्ग हैं और जो जागरूक व्यक्ति हैं, सब मिलके ये उन्होंने बताया कि सर हम पूरे गांव वाले इस बात से सहमत हैं कि एक गलत प्रथा है, एक गलत परंपरा है, इसको ख़त्म करना चाहिए और हम सारे इस बात से सहमत हैं और हम ज़रूर इसको बढ़ावा नहीं देंगे और किसी भी तरह से इसको आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। मैं मेरे समुदाय और चेंज वेबसाइट के सहयोग से अपने गांव में बदलाव लाई। मेरे समुदाय के लोगों पे, लोगों को मेरे काम के ऊपर विश्वास हुआ और यह लगा कि इनके काम से बदलाव जरूर आता है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।